नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता के मंत्री जांच एजेंसी के रडार पर हैं। ईडी पहले ही टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। पार्थ चटर्जी की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। उसके मुताबिक पिछले 10 सालों में उनकी आय में लगातार गिरावट आई है, यानी करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी ने आधिकारिक तौर पर अपनी आय को लगातार कम किया। भाजपा के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पटना पहुंच रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय पटना प्रवास को भव्य और यादगार बनाने के लिए बिहार भाजपा ने जोरदार तैयारी की है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख ने बताया कि जेपी नड्डा 30 जुलाई को सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे। वहां भाजपा कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे। बाद में हवाई अड्डा से होटल मौर्या तक रोड शो की भांति जेपी नड्डा का काफिला गुजरेगा और विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। न्यायमूर्ति मीनी पुष्करणा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ट्वीट, रिट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की है। बिहार के सभी मुखिया को अब एक नई जिम्मेदारी निभानी होगी। नीतीश सरकार ने नए फरमान में यह भी कहा है कि अगर मुखिया ने नई जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया तो उनका मुखिया पद भी जा सकता है। दरअसल राज्य में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को प्रभावी बनाने के लिए नीतीश सरकार ने सभी पंचायतों के मुखिया को नई जिम्मेदारी दी है। केंद्र ने एक समर्पित पोर्टल पर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के समय को मौजूदा 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिन करने का फैसला किया है। वहीं किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जमुई सांसद और अपने भतीजे चिराग पासवान को खुला चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि उनका हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है, अब उनके खिलाफ चिराग पासवान आ जाए या उनकी माँ, वो तैयार हैं, जनता फैसला कर देगी। सांसद के भारी हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष आज भी महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग करते दिखी। बिहार में कई उर्दू स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहने पर बिहार एनडीए के घटक दल एक दूसरे से भिड़ गए। भाजपा जहां उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहने पर आपत्ति जता रही है, वहीं जदयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने इसे गलत नहीं कहा है। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने शुक्रवार को कहा कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है तो किसी और के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि संसद में भी सरकार यह मान चुकी है कि सरकारी नौकरी के लिए जितने लोगों ने आवेदन किया था उसमें से 1% से भी कम को नौकरी मिल पाई है। गुरुवार को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐप गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसके बाद मामला ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा। बता दें कि पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद BGMI को पिछले ही साल लॉन्च किया गया था। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पप्पू यादव पहले ही जमानत ले चुके थे, लेकिन उस मामले में कोर्ट की तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी जमानत रद्द हो गई थी। इसी मामले में आज पप्पू यादव जमानत लेने पहुंचे, जहां दरभंगा न्यायालय के MP MLA के स्पेशल कोर्ट जज प्रथम दीपक कुमार ने उन्हें जमानत दे दी है। UGC ने कहा कि 23,000 से अधिक हायर एजुकेशन कोर्स से एक नए वेब पोर्टल पर मुफ्त में उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन के लिए ब्रिज तैयार करना है और देश के दूरदराज के हिस्सों में उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी आने वाले दिनों में 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगी। ओला अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर फोकस करने के लिए दूसरे खर्चीले बिजनेस बंद कर रही है। कंपनी ने कर्मचारियों को पिंक स्लिप देना शुरू कर दिया है। अब कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए हायरिंग करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 वैश्विक महामारी को अप्रत्याशित और सदी में एक बार आने वाला संकट करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि देश ने अपने वैज्ञानिकों और आमजन की मदद से आत्मविश्वास के साथ इसका सामना किया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी फ्लैट से 4 गाड़ियां गायब हैं। अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के समय सिर्फ एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार सीज की गई थी, जबकि टॉलीगंज इलाके में स्थित अर्पिता के डायमंड सिटी साउथ कॉम्प्लेक्स से 4 बड़ी लग्जरी कारें गायब हैं।
अर्जुन बिजलानी ने शो में शामिल न होने की जो वजह जाहिर की है उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिग बॉस को ट्रॉल किया है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे शो अब मैरिड ब्यूरो बन चुका है। इस शो में कई लोग जाते हैं और वो अपना कपल बनकर बाहर आते हैं। विलासपुर के चुट्टू अवस्थी के लिए संजू बाबा किसी भगवान से कम नहीं। चुट्टू अवस्थी हर साल संजय दत्त के जन्मदिन पर शहर में केक काटते हैं, पूरे शहर में बधाई संदेश के पोस्टर लगवाते हैं। चुट्टू अवस्थी केवल बर्थडे पर ही पोस्टर नहीं लगवाते, वो तो होली दिवाली सभी त्यौहार में ही संजू बाबा के पोस्टर लगाते हैं। आज भी पूरे शहर में चुट्टू अवस्थी ने संजू बाबा के बैनर पोस्टर लगवाया है। मशहूर एक्टर संजय दत्त का आज जन्मदिन है। देश में उच्च गति की इंटरनेट सेवा देने के लिए पांचवी पीढ़ी 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। अब तक हुए 16 दौर में कुल 149,623 करोड़ रुपए की बोलियां आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ईस्ट सर्कल में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम में जियो और एयरटेल ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है और बुधवार तथा बृहस्पतिवार को उन्होंने टक्कर की बोलियाँ लगाई। एयर एशिया ने पे डे सेल ऑफर को लेकर किए गए एक ट्वीट में कहा कि एयर एशिया की पे डे सेल के तहत आप लंबे समय से बाकी घूमने की योजनाओं को 1499 के शुरुआती किराए के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एयर एशिया की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप 15 अगस्त से 31 दिसंबर की यात्राओं के लिए 31 दिसंबर तक टिकट बुक करा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का दिल पत्थर का है और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। असदुद्दीन ओवैसी ने उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ एक डाटा साझा किया और इसको लेकर सरकार से सवाल पूछा है। मोदी के मंत्री ने कहा था कि उज्ज्वला के 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक है। मैंने लोकसभा में वास्तविक संख्या के बारे में पूछा। सरकार का कहना है कि उसके पास धर्म के हिसाब से आंकड़े नहीं है। या तो मुख्तार अब्बास नकवी तब झूठ बोल रहे थे या रामेश्वर तेली अब झूठ बोल रहे हैं। शतरंज ओलंपियाड के 44वें सीजन का आगाज हो चुका है। देश को फैब फोर आर प्रज्ञानानंद डी गुकेश, निहाल सरीन और रौनक सावधानी से काफ़ी उम्मीदें हैं। मौजूदा सीजन के बारे में आर प्रज्ञानानंद का कहना है कि मुझे पता है कि लोग मुझसे अच्छा प्रदर्शन और गेम जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। रणवीर सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के लिए न्यूड तस्वीरें खिंचवाने को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपनी पत्नी एवं अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ प्रतिस्पर्धा को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि वह स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं है और दूसरों पर हावी होने में भी विश्वास नहीं रखते। देश में बढ़ते कैंसर के मामलों के चलते अब तंबाकू के उत्पादों पर नई चेतावनी लिखी दिखेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। 1 दिसंबर से अब निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर एक नई तस्वीर दिखाई देगी। मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अब इसका पालन न करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इन चुनावों को लेकर दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये भूल गए हैं कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। उन्होंने कहा कि झालावाड़ खिलचीपुर से पुलिस एक जिला पंचायत सदस्य को उठाकर सीएम हाउस ले गई। यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज धौंस जमाकर और जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतना चाहते हैं। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जोड़ लिया गया है। उन्हें केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बता दें कि केएल राहुल कोरोना संक्रमण के बाद अब तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और उनके पूरी सीरीज से बाहर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के केंद्र में एनडीए सरकार के बारे में कहा कि इस सरकार का स्वभाव सुधार करना है और यह सरकार प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि उत्तरदायी है। उन्होंने ड्रोन एवं भू स्थानीय और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 29 जुलाई 2022 को कई अन्य परियोजनाओं के साथ साथ गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IFSCA में IIBX की स्थापना की घोषणा की थी। IIBX गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। महाराष्ट्र के लोग सूचना क्रांति का लाभ लेने में सबसे आगे। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डाटा विश्लेषण कंपनी कांटार के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के 61% लोग इंटरनेट के एक्टिव यूजर हैं। वहीं बिहार इस मामले में फिसड्डी है, यहां मात्र 24% लोग इंटरनेट के एक्टिव यूजर हैं। राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 लड़ाकू विमान के क्रैश होने के कुछ घंटों के बाद
भारतीय वायुसेना ने तय किया कि MiG-21 की श्रीनगर में तैनात स्क्वाड्रन को सितंबर में रिटायर किया जाएगा। इसके अलावा MiG-21 की बाकी की 3 स्क्वाड्रन 2025 तक रिटायर हो जाएंगी। एक और जहां टैक्सपेयर को उम्मीद है कि सरकार आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा देगी, वहीं हाल ही में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, इसलिए आखिर समय में हड़बड़ी से बचने के लिए और विभाग द्वारा संभावित कार्रवाई और जुर्माने से बचने के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए जल्दी ITR फाइल कर लें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ईरानी ने ट्वीट किया कि राज्य मंत्री के साथ भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रशांत कुमार, बासुकी पंजियारा, बबलू दास, बबलू कुमार गुप्ता, चंद्रदेव यादव, सचिन बोस, जितेंद्र कुमार, भगवान मिश्रा, दीपक कुमार, विपिन यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि संसद में हो रहे हंगामे के बीच कार्यवाही लंबित होना कहां तक उचित है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।